इंडिया पाकिस्तान के महामुकाबले के अंदर पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग की थी। वर्ल्ड कप 2023 का बड़ा इवेंट था और पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम की जो शुरुआत थी वो काफी ज्यादा शानदार थी, जहां पर अच्छी तरीके से चौके चौके लग रहे थे और लगातार चौके लग रहे थे। मोहम्मद सिराज ने एक ओवर के अंदर अपने दो ओवर के अंदर कुल मिला के 3 चौके कंसीड कर लिए थे। आलम कुछ ऐसा था कि पहले 3-4 ओवर तक जो रन आए थे वो सिर्फ चौकों के बदौलत ही आए थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने थोड़ी सी जल्दबाजी की। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने 1,00,000 लोगों के सामने अपनी बेइज्जती करवाने का ठाना, और जैसे ही शोएब अख्तर ने ट्वीट किया उसके बाद जो हाल हुआ पाकिस्तानी पूरी बैटिंग लाइनअप का वो देखने लायक था। पाकिस्तान के बल्लेबाज 155 पे 2 से 151 पे टीम हो गई ऑल आउट, जिसके बाद से शोएब अख्तर का लगातार मजाक बनने लगा ट्विटर के ऊपर। लेकिन पहले देखते हैं कि भाई आखिरकार शोएब अख्तर ने ट्वीट क्या किया था। तो भाई शोएब अख्तर ने लिखा था, वाह रे ये खामोश चौके, यानी कि जिस तरीके से चौके लग रहे थे उसके बाद जो पूरा ग्राउंड था अहमदाबाद का वो साइलेंस हो जा रहा था कि भाई पूरे इंडियन सपोर्टर्स थे, ब्लीड ब्लू था, नीला समंदर था, नीला आसमान था, और उस नीले आसमान के नीचे पाकिस्तान की टीम के एक आध चौके वौके लग रहे थे, तो वहां पर जो पूरा क्राउड था वो साइलेंस था कि वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था, इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर शुरू होता है विकेट की झड़ी, बाबर आजम आउट होते हैं, इमाम उल हक आउट होते हैं, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक आउट होते हैं, फिर मोहम्मद रिजवान आउट होते हैं, शदाब खान आउट होते हैं, मोहम्मद नवाज आउट होते हैं, तो उसके बाद कोई भी ट्वीट करने वाला नहीं था पाकिस्तान की तरफ से। सब शांत पड़ गए थे, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक विकेट गिरते रहते सारी खामोशी जो थी वो आ गई थी पाकिस्तान की अवाम के अंदर। लेकिन उसे जवाब देते हुए शोएब अख्तर के काफी अच्छे दोस्त वीरेंद्र सहवाग, जो कि अपने टाइम पर काफी अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप शेयर करते हैं और बार बार ट्वीट करते, दोनों एक दूसरे से मजे लेते रहते, एक बार फिर से वीरेंद्र सहवाग जो उनके उनके मैदान के ऊपर तीखा अंदाज था उनका यह अंदाज ट्विटर के ऊपर भी नजर आता है, और ट्विटर के ऊपर भी वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर की बोलती बंद की। तो कहा क्या शोएब अख्तर ने इस चौके वाले जवाब पर वीरेंद्र सहवाग ने, आइए जानते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग ने इसका जवाब देते हुए, शायद ये खामोशी चौके देखकर पाकिस्तानी बैट्समैन ने जल्दी जल्दी पवेलियन लौटने की ठान ली, झेल नहीं पाए यार प्रेशर, हा हा कोई नहीं शोएब भाई, ना इश्क ना प्यार में जो मजा है 8-0 की हार में। भाई शेरो शायरी के चलते जवाब दिया, और उसके बाद वसीम जाफर जो कि अपने सरकास्टिक ट्वीट्स के लिए जाना जाता है, वसीम जाफर ने भी जो पुराना एक मीम टेम्पलेट है, पाकिस्तान का एक फैन था, 155 पे 2 स्कोर होता है, उसके बाद फिर जो अपना पॉजिटिव टाइम्स अपना बिताने जाते हैं, उसके बाद जब वो वापस आते हैं टॉयलेट करके तो भाई स्कोर होता है 191 पे ऑल आउट, यानी कि सिर्फ इतना ही देरी थी जितने चलते इतनी जल्दी ऑल आउट हो गई थी पाकिस्तान की टीम। और उसके बाद एक बार फिर से वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान आफ्टर बीइंग 155 पे 2, उनको याद आया कि उनके शाम के नाश्ते के टाइम हो गया है, फाफड़ा जलेबी दिख लिया इसलिए 191 पे ऑल आउट, एंड वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, सो सब ने 2-2-2-2 विकेट, सबने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, सबने 2 विकेट लिए। तो इसके चलते ये था वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट, और ये मजे लेने का सिलसिला जो है चलता रहेगा। इंडिया पाकिस्तान जो रिश्ते होते हैं ये सिर्फ यहां से नहीं, काफी ज्यादा पहले के रिश्ते हैं, और कहीं ना कहीं ये स्वीट वॉर जो होता है वो भी चलता रहना चाहिए ट्विटर के ऊपर भी। फिलहाल इस वीडियो में ही कमेंट सेक्शन जरूर करें।